बचे हुए चावल से फिर से मैं एक नई रेसिपी लेके आ गई हूँ। तो चलिए फिर बनाना शुरू करते हैं। तो ये देखिए, हमने बचे हुए चावल को ले लिए हैं एक कटोरी, और इसमें सब्जी डालने के लिए हमने पहले से काट के रख लिए हैं। तो ये हमने दो हरी मिर्च काट लिए हैं, एक बारीक प्याज और थोड़ी सी शिमला मिर्च, और ये हो गई थोड़ी सी लहसुन, एक टेबलस्पून है। तो पैन हमने गरम कर लिया है और तेल भी हमने डाल लिया है। अब सब सब्जियों को पैन में हम डाल के तकरीबन 1 से 2 मिनट तक भून लेते हैं। तो आप देख सकते हैं सब्जी हमने भून लिया है। अब इसमें हम डालेंगे बचे हुए चावल को, और स्वाद के अनुसार हम नमक डालेंगे, थोड़ी सी काली मिर्च पाउडर, और ये हो गई थोड़ी सी जीरा पाउडर। अब इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिला लेंगे। तो आप देख सकते हैं ये तैयार है। अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं, और एक मिक्सी बाउल में हम 2 अंडा फोड़ के ले लिए हैं, इसको हम अच्छे से घोल लेते हैं। और फ्राई किए हुए सब्जी चावल को हम उसी अंडे के घोल में डाल के इस तरह से मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। तो फ्रेंड्स, ये तैयार हो चुका है। अब फिर से हम गैस की तरफ चलते हैं। तो हमने पैन में थोड़ी सी तेल गरम कर लिया था, अब उसमें हम इस तरह चावल घोल को डाल के पैन में हम इस तरह से पसार देंगे। और इसमें हम एक उबली हुई अंडे काट के रख लिया था, तो उसको हम ऊपर से सजा देंगे। तो ये पक चुका है, हमने इसे पलट लिया है। अब इसको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो आप देख सकते हैं अंडे चावल की रेसिपी बनके रेडी हो चुकी है, अब आप सर्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये रेसिपी आपको अगर अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर लीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा जिससे नया वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सकेगा। तो मिलते हैं अब हम अगली वीडियो में।